सबको जय यीशु की। फिर से एक बार आपके सामने प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रार्थना भवन चैनल के माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग इस वक्त इस चैनल के माध्यम से इस प्रेजन वर्शिप में भाग ले रहे हैं, वह कृपया हमारे साथ गाएं। संत अगस्टीन हमसे कहता है, हमें याद दिलाता है कि जो व्यक्ति गाकर स्तुति करता है वो दुगनी प्रार्थना करता है। ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है अपनी महिमा करने के लिए। इन गीतों भजनों के माध्यम से प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, आत्मा से, मुख से प्रभु की महिमा हो जाए। इन्हीं विचारों के साथ, इसी भक्ति के साथ, इसी श्रद्धा के साथ हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग, जितने लोग भी प्रेजन वर्शिप देख रहे हैं, आप लोग मेरे साथ गाएं और प्रभु की स्तुति करें। सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इन सुंदर क्षणों के लिए धन्यवाद, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इन भाइयों और बहनों के लिए जिनके साथ हम उपस्थित हुए तेरी आराधना करने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु इन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त तेरी आराधना में भाग ले रहे हैं। रब की होवे मदस राई, रब की होवे मदस राई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रभु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है वो फल उत्पन्न करती है। मेरा पिता बागवान है, जैसे बागवान सूखी डालियों को काटकर आग में झोंकता है, वैसे ही हम लोग भी अगर सूख जाते हैं, जीवन हमारा मिट जाता है, खत्म हो जाता है, सूखी डालियों के समान हम बन जाते हैं। यदि हम प्रभु से जुड़े रहते हैं तो फल उत्पन्न करते हैं। आइए प्रभु से, इस गीत के माध्यम से प्रभु से याचना करें, प्रार्थना करें कि वो हमें अपने साथ जुड़े रहने की कृपा दे। रब के घर में होवे सिताएश, रब के घर में होवे सिताएश, उसकी हम दो सना, उसके हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा।
हमेशा रब की होवे सना। राजा दाऊद अपने पूरे शान शौकत से विधान की मंजूषा के आगे आगे चलता था, वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए और झांझ की ध्वनि के साथ वो प्रभु का स्वागत करता था, नाचते गाते हुए प्रभु की वो स्तुति करता था। उसी भक्ति के साथ हम लोग भी प्रभु की आराधना और स्तुति करें। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आत्मा से, पूरे तन से, पूरे मन से तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा गाएं। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारा जलाल और सारी महिमा आदि से लेकर अनंत काल तक उसकी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसे ये महिमा दें। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तबले बजा, जब और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, दाहिना हाथ उठाकर रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। दोनों हाथों को खोले, दोनों हाथों को खुला छोड़े, अपनी हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु का सामर्थ्य मांगे। हमको
शक्ति तो है मुक्ति, तू है आत्मा सृजन आ, तू है शक्ति तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजन आ। शांति तू है आनंद, तू है आत्मा पालनहार, तू है शांति तू है आनंद, तू है आत्मा पालनहार। आओ पावनाते मां चंगाई, तू है जीवन, तू है आत्मा प्रेमी दाता, तू है चंगाई तू है जीवन, तू है आत्मा प्रेमी दाता। स्पर्श को अनुभव करें। प्रभु इस वक्त हमें छू रहा है, वो अपनी अपार महिमा में, अपार आनंद में हमें चंगा करना चाहता है, अपने प्रेम से हमें ओत प्रोत करना चाहता है, अपने लहू से हमारा अभिषेक करना चाहता है। इस वक्त आप जहां कहीं भी खड़े हैं, प्रभु का आत्मा उस जगह पर नियंत्रण लेवे। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घरों की चार दीवारी को अपनी निगरानी में रखें। हर एक प्रकार की दुरात्मा शक्तियां, अंधकार की शक्तियां प्रभु के क्रूस के नीचे चलकर राख हो जाएं। हमारे होठों से, हमारे हृदय से, हमारे मन से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से प्रभु की महिमा इस वक्त हो जाए। यदि किसी को कोई बीमारी है, रोग है, दुख है, जीवन में निराशा है, बिगड़े काम बनते नहीं है, इस वक्त महसूस करें कि प्रभु आपके बिगड़े कामों को बनाना चाहता है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको हर उस बुराई से छुटकारा दिलाना चाहता है। महसूस करें, अंगीकार करें अपने जीवन में इस वक्त, इस क्षण आप महसूस करें पवित्र आत्मा की गर्माहट, पवित्र आत्मा का वो प्यार, पवित्र आत्मा की वो आग इस वक्त आप अपने जीवन में,
इस वक्त अपने शरीर में, परिवार में महसूस करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र कहीं हजार दिन बिताने से अच्छा है। इसलिए ये समा, ये क्षण आशीषों के क्षण है, बरकतों के क्षण है। प्रभु कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में हमें याद दिलाता है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दरबार, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियां हमारे जीवन में हमेशा प्रथम स्थान पर रहें और प्रभु हमें प्रथम स्थान पर रखेगा। उसके वचन, उसकी शिक्षा हमारे पांवों का दीपक है, हमारे पांवों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसे पूरे हृदय से महिमा दें, उसके दरबार में हमेशा उपस्थित होकर उसकी महिमा करें। लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे सब उसके दरबार में आते थे और चंगाई पाते थे। उसने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को अच्छा किया, चलना सिखाया, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। प्रभु कहता है कि यदि तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। निवेदन करने वालों को प्रभु चंगा क्यों नहीं करेगा। जो उसके पास आता कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए आइए पूरे तन से, पूरे मन से उसकी महिमा करते हुए इस गीत को हम गाएंगे, जिससे कि हमारे जीवन में उसका दरबार, उसका घर, उसका मंदिर हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। दरबार में कौन कौन आए, दरबार में कौन कौन आए,
यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। अरे भाई, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। अंधे लंगड़े लाचार रे हमें प्यारा लगत है, अंधे लंगड़े लाचार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा 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 लगत है। यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगत है। कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, यीशु के दरबार में कौन कौन आए। अरे भाई, यीशु के दरबार में कौन कौन आए, मूरख पंडित लाचार रे हमें प्यारा लगत है, मूरख पंडित लाचार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है, यीशु के दरबार में क्या क्या मिलत है। शक्ति और मुक्ति उद्धार रे हमें प्यारा लगत है, शक्ति और मुक्ति उद्धार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार 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 रे हमें प्यारा लगत है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा दरबार हमें प्यारा लगता है, हमें प्यारा लगता है, तेरी शिक्षा हमें प्यारी लगती है, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में चंगाई है, आपका वचन दुधारी तलवार है, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, 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 हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए
जबकि आपने हमारी अगुवाई की है इस प्रार्थना में, इस स्तुति आराधना में हमें सामर्थ्य दिया है, हमें स्पर्श किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन भर में हमारी अगुवाई कीजिए, अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज के सभी कार्यों के द्वारा तेरी महिमा हो जाए, मेरे परिवार के द्वारा तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथों को जोड़े, इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। आसमानी बाप, जिंदे खुदा, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। हृदयों की थाह लेने वाले प्रभु, हमारा हर एक काम का जिसे आज हम करने वाले तेरी महिमा के लिए हो जाए। जितने भी लोगों ने इस स्तुति में भाग लिया है प्रभु, उन्हें स्पर्श कर दे। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर, आत्मा, हृदय पर छिड़कते हैं। अपने पवित्र लहू के द्वारा इन सारी आत्माओं का अभिषेक कर दे। इनके परिवारों में प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इनके जीवन में प्रभु यीशु, तू इनका दीपक बनकर मार्गदर्शन कर। नवयुवक युवतियों को अपनी ओर आकर्षित कर। माता पिता पर तेरा आशीर्वाद उतरे, बुजुर्गों के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। जो चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु, तेरे वचन के सामर्थ्य से इस वक्त चंगे हो जाएं। तेरा सत्य का आत्मा इनकी अगुवाई करे। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद। सारी ताकतों, आशीषों, बरकतों के लिए प्रभु धन्यवाद। तूने हमें सामर्थ्य दिया जिससे हम तेरी महिमा कर पाए, इन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगी है, उन्हें उनके जीवन में इस वक्त चंगाई प्रदान कर। जहां कहीं भी दूर दराज में, देशों विदेशों में जिन्हें तेरी सहायता की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, उन्हें स्पर्श कर, उन्हें स्पर्श कर। तेरे वचन के सामर्थ्य से वो चंगे हो जाएं, तेरे पवित्र लहू से प्रभु चंगे हो जाएं। तेरे पवित्र लहू का अभिषेक इनके घरों, परिवारों, आत्माओं, हृदयों पर हो जाए। ये प्रार्थना सुन हे पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने एकलौते पुत्र के नाम पर, आमीन, आमीन। सब कुछ है यीशु की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, खुदावंद ने हमें फिर से एक मौका दिया है कि टीवी चैनल प्रार्थना भवन के माध्यम से हम आपके साथ आराधना, स्तुति और महिमा कर सकें। यह सुंदर समय है जिसे प्रभु ने हमें बख्शा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में या अन्य किसी जगह पर, और इस प्रार्थना भवन टीवी चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। प्रभु इस स्तुति आराधना में, वंदना में आपको स्पर्श करेगा, आपको छुएगा और चंगाई प्रदान करेगा। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, स्तोत्र संख्या 5, स्तोत्रकार इस तरह से कहता है, प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर, मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। आप लोग भी प्रार्थना करें कि आप प्रभु को पुकारने जा रहे हैं, जो दुहाई आप देंगे वो परमेश्वर तक पहुंचे और वो हमारे जीवन में कार्य करे।
जा यीशु मेरे मन में आ जा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया सारे बंधन दे दो यीशु मुझे अपना आनंद, तोड़ दो यीशु मेरे सारे बंधन, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन यीशु मुझे अपनी मुक्ति दे दो, यीशु मुझे अपनी शांति दे दो, यीशु मुझे अपनी मुक्ति दे दो, यीशु मुझे अपनी शांति, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, दाहिना हाथ उठाकर यीशु 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 नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, यीशु यीशु नाम में गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं गाऊंगा, हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, गाए मेरे साथ, वो जीवन देने वाला हालेलुया, जीवन देने वाला हालेलुया, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी,
हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो जीवन देने वाला प्रभु है, आत्मा देने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। इसलिए पूरे हृदय से, पूरे तन से, पूरे मन से अंगीकार करते हुए विश्वास के साथ प्रभु की महिमा करें। संख्या 10 प्रभु हमसे कहता है, स्तोत्रकार प्रभु से निवेदन करता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और मुझे उत्तर दे, मेरा निवेदन स्वीकार कर और मेरे जीवन में तेरी कृपा बहुतायत में बनी रहे। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, मुक्ति देने वाला हालेलुया, मुक्ति देने वाला हालेलुया, मुक्ति देने वाला हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ
आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे जीवन दाता हैं, आप ही मेरे चंगाई दाता हैं। मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाऊंगा। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे बहन भाइयों पर दया कीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आज के सभी काम को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे विश्राम दीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, जिससे मेरी आवाज तेरी महिमा कर सके, तेरे भजन गा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु के पास चलें, इस भजन के द्वारा हम पुकारें, वो हमारी पुकार को सुनता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारे पास आता है। जब हम घुटनों पर आते हैं तो वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है। जब हम शीश झुकाते हैं तो वो अपने हाथों से हमें आशीर्वाद देता है। हम अंगीकार करते हुए पूरे हृदय से, पूरे तन और मन से, पूरी प्यास के साथ प्रभु को पुकारें और वो हमें उत्तर देगा। Oh,
तेरे पास आता हूँ प्रभु, मेरा हर दिन, मेरी हर बात, मेरी हर सांस प्रभु तेरी महिमा करे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा से छू ले प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु, जिससे मेरी हर सांस तेरी महिमा करे, मेरी हर बात तेरी महिमा करे। प्रभु दया कर, जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में हैं प्रभु, जो चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु दया कर, जो अपने निवेदनों को लेकर तेरे पास पहुंचे प्रभु, ने छू ले, स्पर्श कर, चंगा कर दे प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम आदि और अंत हैं, आप हमारे जीवन के रक्षक हैं, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर महान है, तेरे स्वर्गदूत निरंतर तेरी महिमा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाने वाले हैं, प्रभु से कहें कि वो उस हवा को बहने दे जो हमारे हृदयों को छू ले। प्रभु का वचन कहता है, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु से कहें कि वो आग हमारे ऊपर फिर से बरसा। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे शरीर में ये परेशानी है, मेरे उन सारे घावों को सुखा दे प्रभु, पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रभु ने सुखा दे, मैं हार चुका हूं प्रभु, दर दर ठोकरें खाकर भटक कर प्रभु मैं हार गया हूं, मैं तेरे चरणों में आया हूं, मुझे छू ले प्रभु, दया कर दे प्रभु, अपने हाथों को खोलिए पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए, उस आग के लिए जो जीव के रूप में चेलों के ऊपर उतरी और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, चिन्ह और चमत्कार होने लगे। जनता जब शिष्यों के माध्यम से प्रभु के वचन को सुनती थी तो प्रभु में विश्वास करती थी, बपतिस्मा ग्रहण करती थी, लोग चंगे होते थे, बहरे सुनते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे। आज आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी चलेंगे, आप लोगों की हड्डियों में भी जान आएगी। प्रभु ने स्पर्श कर रहा है, इस वक्त स्पर्श कर रहा, अंगीकार कीजिए, विश्वास के साथ उस आग को महसूस कीजिए जो पसीने के रूप में, गर्माहट के रूप में, ठंडक के रूप में आपके हृदय को, आपके शरीर को स्पर्श करेगी। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले, चंगा करने वाले प्रभु, रोगों से छुटकारा देने वाले प्रभु, आनंद और शांति से भरने वाले प्रभु, आत्मा के सामर्थ से भरने वाले प्रभु,
चंगा कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, इन परिवारों में तेरा सामर्थ और तेरा प्रेम भर दीजिए। अंधों को आंखें, बैरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देने वाले मेरे प्रभु, आइए प्रभु इनके जीवन में आइए। आज के पूरे दिन भर में प्रभु ये जो भी कार्य करें उनके द्वारा तेरी महिमा हो जाए। हमारे आटा गूंदने वाली परात पर तेरा आशीर्वाद उतरे, मेहनत मजदूरी पर तेरा आशीर्वाद उतरे, हमारे संस्थानों पर, हमारे दफ्तरों, हमारे कार्यालयों पर, हमारे चलने वाले रास्तों पर तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करे। ओह जीसस, यस लॉर्ड, दया कर दो, छू ले प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु, तेरे इन सच्चे आराधकों जिन्होंने सच्ची आत्मा से भर कर तुझसे निवेदन किया है, टच देम लॉर्ड, टच देम लॉर्ड। सारी बुराई का आत्मा, अंधकार की शक्तियां, शैतानी ताकतें तेरे नाम से, तेरे लहू के सामर्थ्य से जलकर राख हो जाएं प्रभु। जो बुखार से पीड़ित है, सिर दर्द से पीड़ित है, उन्हें छुटकारा दिलाइए। तेरा लहू चंगा करने वाला लहू है, जीवन देने वाला लहू है, क्षमा करने वाला लहू है प्रभु। उसे हम अपने शरीर, आत्मा, हृदय और मुख पर, अपने होठों पर लगाते हैं प्रभु, दया कर। थैंक यू जीसस। हे पिता ईश्वर, सारी दुआ और बंदगी, सारी प्रार्थना और निवेदन हम अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से तुझे समर्पित करते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की। पिता परमेश्वर ने मौका दिया है टीवी चैनल के माध्यम से आपके साथ उपस्थित होने का, और ये स्तुति प्रशंसा, प्रेज एंड वर्शिप आप लोगों के साथ मिलकर करने का। हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए जो इस वक्त इस टीवी चैनल को देख रहे हैं। प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है कभी अंधकार में नहीं भटकता है, संसार की ज्योति मैं हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में रहती है फल उत्पन्न करती है। आइए हम प्रभु में बने रहें, नित्य प्रतिदिन उसके वचनों को हम स्मरण करते रहें। संत पौलुस हमें बताता है कि पिता ईश्वर की इच्छा ये है कि है हम नित्य प्रतिदिन धन्यवाद के साथ अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करते रहें। इसलिए इस वक्त जितने भी लोग टीवी चैनल के माध्यम से स्तुति में भाग ले रहे हैं, विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको इस वक्त चंगाई प्रदान करेगा और स्पर्श करेगा। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और उसकी आशीष हम प्राप्त करेंगे। तेरी हो वंदना,
प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी हो वंदना। तू ही मेरा मीत है, तू तू मेरे, दया 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 कर, यीशु मेरे।
भर दे यीशु मेरे, मुझको दया कर यीशु मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए। मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है, तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति गान करता है, मेरा कंठ तेरा स्तुति गान करता है। आपा पिता हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, हमारे हृदयों की तेरे इन बच्चों की हृदयों की थाह लेने की कृपा कर। इन्हें आशीर्वाद दे, इनके जीवन में तेरी महिमा निरंतर होती रहे। हे आपा पिता, जो तुझसे दूर चले गए हैं उन्हें अपने पास लाने की कृपा कर। इस वक्त हम विशेष रूप से दुआ करते हैं तेरे भक्तों के लिए, अभिषिक्त चुने हुए व्यक्तियों के लिए। तेरा पवित्र हाथ उनके ऊपर सदा बना रहे मेरे आबा पिता, इन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। तेरी स्तुति तेरी महिमा हमारी जुबान से, होठों से, जीवन से, परिवार से और हर एक चीज से होती रहे। जितने लोग इस वक्त प्रभु इसमें भाग ले रहे हैं, जो इस टीवी चैनल को देख रहे हैं और स्तुति वंदना में है, तेरा अनुग्रह इन्हें मिल जाए। तू सृष्टि का मालिक है, तू सृष्टि का रचयिता है। इसके साथ मिलकर हे प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति महिमा गाते हैं। तू सृष्टि का मालिक है, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तेरी महिमा हो। के माले
शर तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। शैतान को छूने न देना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, धीरज से तू हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इस शैतान को छूने न देना। आहा शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। भाई और बहनों, दोनों हाथों को खुला छोड़िए। उस सृष्टि का मालिक, हृदयों की थाह लेने वाला प्रभु, जिसके हम बच्चे हैं, जिसने हमें पवित्र किया है, जिसने हमें स्पर्श किया है, जिसने माता के गर्भ में रचने से पहले हमको देखा है, जिसने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है, वो प्रभु हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। इस वक्त आप सभी लोगों को वो स्पर्श करे, हमारे तन मन हृदय आत्मा को सुरक्षित रखे, शैतान की कोई भी दुरात्मा शक्तियां इन्हें छूने ना पाए।
और आप लोगों को आशीर्वाद मिले। घर से बाहर जाते समय, घर पर लौटते समय, मार्ग में आते जाते समय सारी बुराइयों से, सारी असुरक्षाओं से प्रभु आपको सुरक्षित रखे। आपके माल डंगर खेती बाड़ी के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, कामकाज के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद मिले। आटा गूंदने वाली परात के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद मिले। आपके दशमांश जो प्रभु को आप समर्पित करते हैं आशीर्वाद मिले। आप जो भी काम करते हैं उसमें प्रभु का आशीर्वाद और अनुग्रह हमेशा बना रहे। जीवन देने वाला प्रभु, चंगा करने वाला, आत्मा देने वाला, आनंद देने वाला प्रभु आपको खुशियों से भर दे। पिता ईश्वर आपको हमेशा नए जीवन और खुशी में बनाए रखे। ये प्रार्थना हम करते उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।